हेलो गेमर्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर्स सिमुलेटर 2023। तो पिछले वाले एपिसोड में आप सबने देखा होगा कि मेरा इतना अच्छा दिन था, मेरा लक इतना अच्छा था कि मैंने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी वो वीडियो की, तो पहले ही ऑक्शन में मेरे को ये डॉज ड्राइवर मिल गई थी। देख रहे हो आप, ये डॉज ड्राइवर कितनी खतरनाक लग रही है। डॉज ड्राइवर इसको मैंने 1 मिलियन तक पहुंच गया था इसका प्राइस ऑक्शन में, और मैंने इसको 1 मिलियन, देखो अभी मैं दिखाता हूँ कितने में, 1 मिलियन, 1 मिलियन में मैंने परचेस किया है ये कार को। पर बहुत बढ़िया कार है यार, क्या लगती है मेरे को, बहुत बढ़िया लगती है। तो अपने पास ये कार हो चुकी है और आज हम लोग ट्राई करेंगे वो फरारी ढूंढने की। और आज इससे डॉज राइवल से ड्रैग रेस भी करनी है अपने को। डॉज राइवल से अपन ड्रैग रेस भी करेंगे और देखेंगे डॉज राइवल कैसा है, और थोड़ा बहुत कार भी परचेस करके आएंगे अपने शोरूम के लिए। वैसे तो 10 मिलियन हो चुके हैं, पर अपनी थोड़ी कार, चले काम करते हैं, कार मार्केट ओपन है, कार मार्केट जाते हैं और कार मार्केट पे देखते हैं कौन सी अच्छी वाली कार आई हुई है। भाई ये कार क्या भागती है यार, मजा आ जाता है। कार का साउंड भी बहुत बढ़िया है, मेरे को ये कार का साउंड भी अच्छा लगता है। निसान जीटीआर जैसा ही है, पर थोड़ा अलग है निसान जीटीआर से, बहुत बढ़िया लगती है। और ये कार क्या लग रही है, मैं जितनी बार बता रहा हूँ उतनी बार भाई बहुत बढ़िया लग रही है। इधर कोई कार, अभी मैं इधर से ऑडी R8 परचेस करके आया था यही सोच के कि इसमें नॉस होगा, पर पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो रही है, मेरे को नॉस वाली मिल ही नहीं रही है ऑडी R8। और मेरे को नॉस वाली ऑडी R8 चाहिए जिसकी कार किट में नॉस लग सकता हो, पता नहीं इसमें नहीं लग रहा है ये कौन। चलो ये लैम्बोर्गिनी को परचेस कर लेते हैं अपने शोरूम के लिए। 3 लाख में दे, 3 लाख में दे दे बंदे, 3 लाख तो इनफ है यार, 3 लाख में तो मिल जाती है। हाँ 3 लाख में ना बोल रहा है ये, 3 लाख 10,000। हाँ चलो 3 लाख 10,000, कोई बात नहीं, 10,000 में अपने को क्या, अपने तो मिलियन आ रहे भाई अभी, तो अपने पास अभी 10 मिलियन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कहाँ गए अपने डॉज राइवल, चलो डॉज राइवल को लेते हैं और फटाफट से काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए सोने चले जाते हैं। कौन सा डे, ट्यूसडे, कल वेनसडे, तो कल ऑक्शन खुला होगा, तो कल ऑक्शन में भी चेक कर लेंगे वो फरारी आई होगी तो उसको भी परचेस कर लेंगे। अगर उस दिन जैसा लक निकला मिला तो मजा आ जाएगी, उस दिन जैसा लक हुआ ना मेरा तो कसम से भाई मजा आ जाएगी। चलो फटाफट से घर पे, अपने कंटेनर में आ चुके हैं घर पे, तो अभी नहीं जा रहा मैं, कंटेनर में ही सो जाते हैं। 8 लाख का लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ऑडी R8 परचेस की अभी, और मैंने लेम्बोर्गिनी परचेस की, इसलिए हुए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आज कवर कर लेंगे, 5 बजे ऑक्शन खुलने वाला है। चलो पहले इसका कंटेनर का मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ और फटाफट से निकलते हैं अपने देखने के लिए ऑक्शन में कि वो कार है कि नहीं। भाई ये कार कितनी अच्छी है यार, मेरे को भी इतनी पसंद आ रही है। इसके वो जो नए वाले टायर डाले हैं वो वाले, मेरे जो पुराने वाले थे वो नहीं, नए टायर मैंने डलवाए, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको ये देखो, ये टायर बहुत बढ़िया लग रहे हैं इस पे। मैंने बहुत सारे टायर लगा के ट्राई किया, मेरे को ये टायर सबसे अच्छा लगा तो मैंने यही डाल दिया इसमें, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये भी 5,000 रुपीज़ का ही है, ये $5,000 का ही है, ये भी रुपीज़ नहीं डॉलर, याद रखना। हाँ तो मैंने उसमें भी यही टायर डलवाया है $5,000 वाले, जो कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो अभी ऑक्शन में देख लेते हैं, ये अपनी लकी कार जैसी है। लकी कार तो अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि लक हुआ नहीं है। अगर आज ये कार लेके आया, फंस गई फंस गई फंस गई कार फंस गई। अरे इसका इतना ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों है, जो कि मैंने रखा है, अभी इसको मेरे को टो करवाना पड़ेगा। अरे भाई साहब टो का, अभी वापिस से मेरे को नई कार लेके आनी पड़ेगी और इधर से चेक करना पड़ेगा यार, मेरे को थोड़ी स्पीड रखनी चाहिए थी पहले ही। अभी मैं निशान GTR लेके आता हूँ, अपनी गोल्ड कलर वाली निशान GTR को लेके आता हूँ और उधर जाके चेक करते हैं कि ऑक्शन में कौन सी बढ़िया वाली कार आई है। ये फरारी और वो सब तो मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, कोई रेयर कार होगी तो ही परचेस करने में फायदा रहता है उसमें। हाँ अपनी, हाँ चलो डॉज राइवल तो उधर है, इधर इसका यार, इसका दरवाजा उल्टी साइड होता है क्योंकि इसका स्टीयरिंग उल्टी साइड है ये गेम में, बाकी सारी गाड़ियों का लेफ्ट साइड है, खाली इसका ही एक में राइट साइड है स्टीयरिंग की। अच्छा है यार, पर इसकी स्पीड बहुत बढ़िया है यार, निसान GTR की भी यार स्पीड बहुत बढ़िया है। कुछ ये कौन सी गाड़ी है, अरे ये तो टेस्ला है, अरे टेस्ला नहीं, ये कौन सी है, ये भी कोई सस्ती वाली कार है, ये भी सस्ती वाली, ये भी सस्ती वाली। चलो वो BMW कूप थी, वो BMW कूप मेरे को चाहिए नहीं। अब एक काम करते हैं, फटाफट रेस देखने चलते हैं। चलो नहीं, रेस देखने चलेंगे डॉज राइवल से और एक भी एक रेस भी करेंगे। चलो फटाफट से चलते हैं। चलो ये कार मैंने रख दी है इधर अपने निसान GTR, अभी फटाफट से चलते हैं डॉज राइवल को लेके चलते हैं और रेस करने चलते हैं। कोई भी गाड़ी होगी, कोई अगर कोई ऑडी वॉडी मिल गई ना तो मजा आ जाएगा, उससे मैं रेस करूंगा ये डॉज राइवल से, देखते हैं कितना मजा आता है। चलो फटाफट से चल भाई चल। इसका पिकअप थोड़ा कम है, वो स्पीड उठाने में टाइम ले रहा है, पर उसके बाद भाई क्या भागती है ये कार, बहुत बढ़िया वाली है। इसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है तो चलो उधर जाके मेरे को फ्यूल भी पहले भरवाना पड़ेगा। रेस करने का मन ही नहीं हो रहा है, ये ट्रक आया है, ट्रक से मैं कहाँ से रेस करूंगा, ये ट्रक से तो रेस होने नहीं वाली। चलो फटाफट से एक काम करते हैं, चलते हैं अब इसका पहले फ्यूल भरवा लेते हैं यार। फ्यूल अच्छा हुआ, फ्यूल स्टेशन पे आया ही हूँ, गैस स्टेशन पे तो फ्यूल भरवा ही लेते हैं।
क्या दिक्कत वाली? इधर मैं कभी भी फ्यूल भरवाने आया नहीं, आज फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ फ्यूल भरवाने। देखते हैं कैसे फ्यूल भरवाते हैं इसमें, फटाफट से चलते हैं। ये रहा इधर फ्यूल भर दे भाई। अरे भाई ये तो बढ़िया है, इधर ही आने का फ्यूल भरवाने ज्यादा मजा आएगी। चलो फ्यूल भर चुका है अपना। अबे यार ये पीछे गाड़ी खड़ी कर दी इस बंदे ने। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी इधर से अपने गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। और हाँ इसका बहुत खतरनाक वाला अपडेट आने वाला है, आप सही समझ रहे हो, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आने वाला है, मतलब यही वीक में, ये सैटरडे संडे तक तो आ जाएगा। इसमें अपडेट में ऐसा आने वाला है कि अपने ये जो शोरूम है उसको अपग्रेड कर सकेंगे, अपने खुद के हिसाब से अपग्रेड कर सकेंगे, जो कि बहुत बढ़िया वाली बात है। अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं उसको। फिर इसमें कुछ होगा, कुछ वो भी बनने वाला है, ये टो करने वाला भी कुछ बनने वाला है, ऐसा सब कुछ है, वो पता नहीं, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। पर हाँ शोरूम का अपडेट आने वाला है, और जंक यार्ड में से भी अपने को अभी तो कार मिल सकती है, उसको अपने खुद रिपेयर कर सकते हैं, खुद उसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं, उसके जंपर चेंज कर सकते हैं, उसका इंजन बना सकते हैं, वो सब भी आने वाला है भाई। मैंने अभी देखा भाई, बहुत खतरनाक अपडेट आने वाला है, बहुत ही खतरनाक अपडेट आने वाला है। चलो वो तो आएगा तब, मैं आपको पहला वीडियो मेरा आ जाएगा, आप लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको सबसे पहले वो अपडेट में खेलूंगा तो आपको पता चल जाएगा और आप भी देख पाओगे। चलो अभी फिलहाल के लिए सो जाते हैं, वेनसडे था, कल थर्सडे होगा, मतलब कल भी ऑक्शन स्टार्ट होगा, तो अभी ऑक्शन में फटाफट से जाएंगे, ऑक्शन में देख के आएंगे। हाँ ऑक्शन ही स्टार्ट है, चलो फटाफट से ऑक्शन में चेक करते हैं कोई अच्छी गाड़ी है या नहीं। ऐसे सुपर कार ढूंढनी हो तो ऑक्शन में जाना पड़ता है, वरना तो कार मार्केट का मैं वेट करता हूँ। मैं नेबरहुड में जाता नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि नेबरहुड में तो क्या कौन सी है, वो छोटी मोटी कार मिलती है, और अपने को बड़ी सुपर कार चाहिए तो कार मार्केट और ऑक्शन से ही मिलती है, और रेयर कार अपने को चाहिए तो वो तो ऑक्शन से ही मिलेगी, वो अपने को कार मार्केट से नहीं मिलती। तो मैं कार मार्केट का अभी इस एपिसोड में मैं कार मार्केट पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि अपने को बहुत सारी कार परचेज करनी है और उसको सेल भी करना है, और वो कार तो हमने ढूंढने ही वाले हैं। सबसे पहले कूदा, हाँ बस अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी फंस रही है, अभी भी फंस रही है भाई, ये क्या क्या है ये? चल भाई इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, ये लैम्बोर्गिनी है। चलो लैम्बोर्गिनी तो चाहिए नहीं, लैम्बोर्गिनी तो है अपने पास। अब एक काम करते हैं, रेस देखने चलते हैं, एडोज राइवल को लेके रेस देखने चलते हैं, अगर कोई अच्छी गाड़ी हुई तो उससे रेस करेंगे अपनी। चलो फटाफट से चलते हैं, चल भाई चल, भगा भगा 135 134। इसको मैं ड्रैग, अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको रेस में ले वो उधर लेके चलता हूँ ट्रैक पे, और इसकी स्पीड चेक करते हैं। इधर तो कुछ रेस करने के लिए अच्छी गाड़ी तो आ नहीं रही है, तो एक काम करते हैं इसको लेके चलते हैं अपने, इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। चलो फटाफट से चलते हैं इधर, ये रहा बंदा खड़ा है अपना ट्रक लेके, अपने को लेके जाएगा रोड पे जहाँ पे अपने स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं गाड़ी को ऊपर चढ़ा देता हूँ पहले अच्छे से, चढ़ जा। अभी गाड़ी फंस गई ना, अबे ये क्या है भाई, ये गाड़ी फंस क्यों जाती है, इसको ऐसे चढ़ा नहीं सकता मैं। चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रैक क्यों है तो पार्क क्यों कार प्रॉप, इसको मेरे को टो करवाना, इसको मेरे को टो करवाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, टो करवाना पड़ेगा। यार ये गाड़ी में ऐसा क्यों हो रहा है, ये गाड़ी का ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं है। चलो फटाफट से मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ वापिस। चलो गाइस वापिस से मैं जा रहा हूँ उधर ट्रक के पास, मैंने गाड़ी टो करवा दी थी और वापिस से मैं जा रहा हूँ ट्रक के पास। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो ऊपर चढ़ जाना भाई, अभी तो ऊपर चढ़ ही जाना, तो कुछ भी हो जाए, बस अभी मैं कुछ करने नहीं वाला। इसको ऐसे खड़ा करते हैं, दीदी को बोलते हैं कि अपने को डेजर्ट पे लेके जाओ। चलो फटाफट से डेजर्ट वाले रोड पे चलते हैं अपने, और स्पीड टेस्ट करते हैं इसकी कितनी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड कितनी तक जाती है वो आज चेक करेंगे अपने। तो चलो फटाफट से इसको मैं पहले इंजन को स्टार्ट करता हूँ, इंजन स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट ही कर देता हूँ। सो इसने 0 to 100 6.7 किलो उस पर किया है कंप्लीट। अरे तो बहुत कम है यार, 6.7 निसान GT-R 3 सेकंड में कर देती है यार। देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है, वो तो अपने चेक करते हैं टॉप स्पीड कितनी जाती है, 209। इसकी स्पीड पिकअप थोड़ा बहुत कम है, इसका स्पीड पिकअप मैं सच में बताऊँ ना बहुत कम है, ये स्पीड कैचअप करने में बहुत टाइम लगा रहा है, मेरे को नॉस लगाना पड़ रहा है। फिर भी 250, 251, 300 तक तो चली जाएगी, पर ये रोड इतना कम पड़ जाएगा यार, ये रोड बहुत छोटा है ये रेस चेक करने के लिए। 300 तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है, तब पहुंच जाएगी शायद तक, 300 तक पहुंच जाएगी मेरे को लगता है तब तक, और थोड़ा नॉस आ जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि अभी झाली आ जाएगी। देखा 300 तक तो पहुँच चुकी, अरे रुक जा, 300 तक तो पहुँच चुकी है। 305 इसकी मैक्स स्पीड तो नहीं है, इसकी 305 मैक्स स्पीड मेरे को पता है, इसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी, 350 तक पहुंच जाएगी मेरे को लगता है तब तक, तो बाद में पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया अभी।
चेक कैसे करूं मैं, इधर रोड कम पड़ जा रहा है और इसका जो रेस करने का है वो जो स्पीड इसका पिकअप टाइम है वो भी बहुत कम है इसका। देखो कितना स्लो स्लो ये स्पीड बढ़ा रहा है कार, ये भी बढ़िया नहीं है यार। इसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखनी चाहिए थी, इतनी महंगी कार रखी है इन लोगों ने, तो इसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए थी। मे बी नेक्स्ट अपडेट में वो लोग फिक्स कर दे, क्योंकि सबसे फास्ट कार तो निसान GT-R है, इसमें सबको पता है कि निसान GT-R सबसे फास्टेस्ट कार है, उसकी कंपेरिजन में कोई नहीं है। अभी फरारी का मैंने चेक नहीं किया, वो नई वाली फरारी आई है उसका मैंने चेक नहीं किया है, उसका अगर चेक करने को मिल जाएगा तो उसका भी चेक कर लेंगे। अगर अपने को मिल जाए तो ये एपिसोड में तो मज़ा आ जाएगा, ये एपिसोड में मिल गई तो। देखो अभी मैं वापस से इसको लेके जा रहा हूँ, ये देखो अभी कितनी स्लो स्लो पिकअप ले रहा है और इधर आ भी चुका है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या हुआ? अरे भाई साहब ये क्या हुआ? डैमेज नहीं हुआ हो तो अच्छा है, वो तो बाद में पता चलेगा डैमेज हुआ है कि नहीं। चलो अभी गाड़ी को वापस से चढ़ा देते हैं यार। ये गाड़ी 305 मैक्सिमम स्पीड तक गई हुई है, इसकी मैक्स स्पीड ज़्यादा है पर ये 305 तक ही गई हुई है। नहीं 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 भाई मेरे को इसमें गलती नहीं करनी, इधर मैं टो कैसे करवाऊँगा, इधर फंस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको थोड़ी स्पीड से लेके जाता हूँ, ऊपर चढ़ा देता हूँ अच्छे से बस। चलो अभी एक काम करते हैं, बैक टू टाउन चलते हैं। ये भाई ये गाड़ी का थोड़ा पिकअप बहुत कम है यार, पर गाड़ी दिखने में बहुत बढ़िया है, कुछ भी करो गाड़ी दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है। मेरे को इसको बग लिखना पड़ेगा इन लोग को कि नेक्स्ट अपडेट में ये जो कार है इसकी स्पीड बढ़ा दो आप लोग, ये स्पीड बहुत कम है यार, इतनी स्पीड में मज़ा नहीं आता। कि इतनी महंगी कार है तो इसकी स्पीड भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, निसान GT-R जितनी नहीं पर उससे तो ज़्यादा होनी चाहिए। ये साउंड कहाँ चला गया? ये साउंड का भी ग्लिच है इसमें। चलो साउंड वापस आ चुका है। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी तो कुछ है नहीं, कुछ ओपन भी नहीं है तो सोने चले जाते हैं। अभी फ्राइडे होगा तो कार मार्केट ओपन होगा, तो कार मार्केट से हमने बहुत सारी कार परचेज करेंगे आज, सुपर कार जितनी मिली वो सारी परचेज करेंगे और फटाफट से फिर उनको सेल भी तो करना है। और मेरे को वो कार भी चाहिए यार, फरारी भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आज लक नहीं है मेरा, आज मेरा लक उतना नहीं है जितना वो एपिसोड में था। वो आपने नहीं देखा तो देख लेना जाके, बहुत बढ़िया वाला है। मैं ऐसा हो तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना आई बटन पे क्लिक करके, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। चलो अभी फटाफट से काम करते हैं, घर कंटेनर में सो जाते हैं, अच्छे से बढ़िया से सो जाते हैं। चलो दूसरा दिन हो चुका है और कार मार्केट ओपन है आज। चलो बहुत बढ़िया वाली बात है, कार मार्केट ओपन है तो फटाफट से कार मार्केट पे चलते हैं और बहुत सारी कार उठा लेते हैं। चलो फटाफट से चलते हैं अभी। ये कार मेरे को तो सच में बहुत पसंद है ये कार, पर इसकी स्पीड को लेके थोड़ा मेरे को दिक्कत लग रहा है। वो अगर डेवलपर फिक्स कर देंगे ना तो बहुत मजा आएगी भाई, ये मेरी सबसे फेवरेट कार बन जाएगी। निसान GT-R भी फेवरेट है पर ये सबसे फेवरेट बन जाएगी, क्योंकि इसका लुक भी बढ़िया है और ये कार दिखने में भी अच्छी है। इधर कोई कार है क्या आज बढ़िया वाली? कोई अरे यार एक भी सुपर कार नहीं है, एक भी सुपर कार नहीं है यार, एक भी नहीं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी वो ऑडी R8 है और अपनी लैम्बोर्गिनी है, उसको अपने करते हैं फटाफट से। नहीं यार उसमें भी टाइम जाएगा, चलो सोने ही चले जाते हैं वापस। टाइम तो वैसे भी जाने वाला है, पर कोई अच्छी कार हो, 2-3-4-5 कार हो तो उसको अपग्रेड करते तो मज़ा आता है। ये दो कार अपग्रेड करो उसको सेल पे लगाओ तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो गाइस सैटरडे हो चुका है और सैटरडे को ऑक्शन ओपन है तो फटाफट से चलते हैं। अभी पहले मैं ऑक्शन में जाके चेक करने वाला हूँ, दो चीज़ तो मेरी कंफर्म रहती है, पहले मैं ऑक्शन चेक करने जाता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ अपना उधर जाता हूँ मैं कहाँ वो ड्रैग रेस चेक करने। हाँ मैं ड्रैग रेस चेक करने तो जाता ही हूँ, कोई अच्छी वाली कार होगी तो इसकी डोज राइवल की भी अपने ड्रैग रेस करेंगे, देखते कितना मज़ा आता है उसमें। इधर तो नहीं रुकना यार मेरे को, ऑक्शन जाना है। चलो फटाफट से पहले ऑक्शन में चेक करके आते हैं। ये गाड़ी का ब्रेकिंग अच्छा है, मेरे को ये गाड़ी का ब्रेकिंग अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ मेरे को ये गाड़ी का ब्रेकिंग अच्छा लगा, ये गाड़ी का ब्रेक अच्छा है। अरे कहाँ जा रहा है चलो इसको घुमा के लेके आते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घुमा के लेके आते और देख लेते इधर कौन सी कार है। ये घटिया कार है और ये भी घटिया है, ये भी घटिया है। चलो सारी की सारी घटिया कार है। अब एक काम करते हैं फटाफट से ड्रैग रेस देखने चलते हैं। चलो ड्रैग रेस पे कोई बढ़िया वाली कार आई तो डॉज ड्राइवर की ड्रैग रेस करवाएंगे, देखते हैं जीतना ही जीतना है, कुछ भी हो जाए जीतना तो है ही, पर फिर भी चलते हैं। चलो भगा ये गाड़ी यार, इसका गाड़ी का आवाज़ बहुत बड़ी। कौन सी कार है ये इधर? अरे निसान GT-R है इधर भाई साहब, निसान मैं तो लेके आ रहा हूँ भाई, अभी अपनी निसान GT-R लेके आ रहा हूँ, रुको आप, अभी मैं अपनी निसान GT-R लेके आ रहा हूँ, देखो तू। अरे सारे व्हाइट कलर की निसान GT-R लेके आया हुआ बंदा, वो भी ड्रैग रेस करने, अभी उसको मैं बताता हूँ, रुको। अपने पास चलो 3 निसान GT-R हो जाएगी, तो और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इतना और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पर फिर भी मेरे को मेरे पे इतना तो विश्वास है कि जीत जाएंगे। चलो वो ब्लैक वाली लेके चलते हैं यार, ब्लैक वाली को पहले थोड़ा क्लीन विन कर देते हैं यार,
उसकी व्हाइट गाड़ी कितनी चमचमाती लग रही है भाई। मेरी मैट वाली ब्लैक कुछ कम नहीं है, कितनी खतरनाक लग रही है मेरी मैट वाली भी, आप लोग देख सकते हो भाई साहब क्या लग रही है। चलो फटाफट से इसको मैं क्लीन करता हूँ। चल भाई चल फटाफट से क्लीन कर दे इसको, क्लीन तो मैं ही कर रहा हूँ वैसे। चलो क्लीन हो चुकी है, अभी फटाफट से बैठते हैं और चलते हैं उसको मजा चखाने। चलो फटाफट से चलते हैं अपनी। भाई ये कार की बात ही अलग है यार, कुछ भी बोलो ये कार की तो बात ही अलग है, कितनी फटाफट स्पीड पकड़ लेती है ये भाई। ये कार की बात ही देखो कितनी स्पीड पर, इसकी ब्रेकिंग ब्रेक पे थोड़ा भाई यार, इतनी स्पीड कार होगी तो ब्रेक में तो होगा ही थोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अपने पास पोस्टे तो है नहीं कि अपने पोस्टे के साथ रेस करेंगे, पर अपने निसान GTR के साथ तो रेस कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी डैमेज है यार, उसको भी मेरे को ठीक करवाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठ करते हैं। अगर हार भी गए तो अपने पास एक GTR पड़ी हुई है बैकअप में, जो कि बढ़िया वाली बात है। अगर नहीं होती तो भी मैं रिस्क तो लेने ही वाला था भाई, मेरे को GTR तो चाहिए यार। GTR किसको नहीं चाहिए, ऑक्शन के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। अगर डॉज राइवल भी आ गई ना तो मैं रेस कर दूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, उसकी भी मैं रेस कर दूंगा। चलो इधर इंजन स्टार्ट करते हैं और फटाफट से गाड़ी को सही तरह से इधर रखते हैं अपने, फटाफट से इधर प्लेस पे लाते हैं पोजीशन पे। थोड़ा 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 थोड़ा, अरे हो गई, अरे रेस चालू हो गई। चल बेटे चल चल, आजा आजा बेटे, आजा मेरे पीछे, आजा तू तू मेरे पीछे आजा बेटे, जल्दी फटाफट से आ फटाफट से। हाँ ये 8.1 सेकेंड में 261 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने पास और एक GTR आ चुके हैं, हम लोग ये रेस भी जीत चुके हैं। भाई मेरे पे विश्वास है, मेरे को मेरी कार पे और मुझ पे, कि आप लोग जीत जाएंगे ये रेस। चलो और एक निशान GTR ऐड हो चुकी है अपने फैमिली में। हाँ सही समझ रहे हो, मेरी जो जितनी भी रेयर कार है वो मेरी फैमिली से बढ़ कार है भाई, क्या खतरनाक खतरनाक कार है मेरे पास। चलो ये भी हो चुका है फटाफट से, अभी तो क्या करें, अभी तो ड्रैग रेस करने के लिए है नहीं। चलो आज अपने घर पे भाई, चलो मेरी ही गलती है इसमें, मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरी ही गलती है। चलो आज अपने घर पे जाके सो जाते हैं, वैसे भी मेरी कार डैमेज ही है, उसको भी रिपेयर करवाना ही है, निसान GTR को भी वो भी करवा लेंगे। ये क्या हुआ, चलो ये गेम क्यों अटक रहा है, सेव हो रहा है क्या, गेम सेव होता है तभी अटकता है। चलो फटाफट से आ चुके हैं अभी इधर, फटाफट से सो लेते हैं अपने बढ़िया वाले घर पे। ये बढ़िया वाला घर आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा अपग्रेड किया इसका कलर, ये अपना ये जो है इसको भी अपग्रेड कर दिया है, कबाट को अपग्रेड कर दिया है, फिर मैंने ये बेड को अपग्रेड कर दिया, ये सोफा देखो कितना बढ़िया वाला लगा दिया है मैंने। भाई अपना घर भी अभी बढ़िया वाला हो चुका है, बेड तो बहुत बढ़िया, भाई सोने में बहुत मजा आती है बेड पे, पर अपने को बहुत काम रहता है तो अपने कंटेनर में जाके सो जाते हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट डे हो चुका है, कार मार्केट ओपन है भाई, बहुत बढ़िया वाली बात है। कार गेम सेव हुई लगती है, गेम सेव होती है तो पता नहीं ये बंदे को क्या हो जाता है, ये आसमान में देखने लगता है। देखो अरे यार गेम अटक क्यों रही है आज, बहुत अटक रही है, सच बता रहा हूँ गेम अटक रही है, पता नहीं क्या रीजन है इसका, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, पर गेम अटक रही है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि क्या दिक्कत आ रही है। वाह अरे भाई वाह, अरे भाई ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, हाँ हो गई सही भाई, मैं सोचा ये क्या हो गया अचानक से, भाई मेरे को ध्यान से चलाना पड़ेगा यार। वापिस वापिस वही गलती कर रहा हूँ मैं, जो पहले किया वही गलती मैं वापिस कर रहा हूँ यार, मैं भी गधा आदमी हूँ, मैं वापिस वही गलती कर रहा था। अरे काम करते नहीं, नहीं पहले कार मार्केट पे जाते, बाद में रेस करने जाते भाई, क्योंकि रेस कर दूंगा मेरे को ध्यान नहीं रहता, और मैं रेस कर देता हूँ और कार मार्केट भी बंद हो जाएगा फिर। इस पे क्या होता है कि अपने ड्रैग रेस करके आते हैं तो अपना जो दिन होता है वो चेंज हो जाता है, अपना दिन चेंज हो, दूसरा दिन चालू हो जाता है, वो भी एक दिक्कत वाली बात है इसमें, वो भी देखना पड़ता है इसमें। चलो एक पोस्टे है, दो सुपरा है, दो पोस्टे और दो सुपरा, चलो सारी की सारी कार, दो सुपरा और दो पोस्टे को परचेज कर लेते हैं फटाफट से अपनी कार वो शोरूम के लिए सेल करने है। भाई इसका 1 लाख दूंगा तेरे को, इतने में तो मिल जाती है भाई पोस्टे, आराम से मिल जाती है मेरे को आराम से। अरे चलो इसको 20,000 ज्यादा दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको 20,000 ज्यादा दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अरे यार चल भाई ले, 1.5 लाख में दे दे मेरे को, क्या दिक्कत वाली बात है यार, इन लोग को इतना ही तो चाहिए पैसा। पर इसमें कुछ डैमेज नहीं है वो बस, अरे यार पर मेरा तो कुछ डैमेज है क्या, डैमेज नहीं है जब तक मैंने देखा है तब तक इसमें डैमेज नहीं है, मेरे को लेके जानी पड़ेगी, अपने उधर भी तीन तीन कार है। चलो ये पोस्टर को भी देखते हैं, ये डैमेज होगी तो ये सीधा जाएगी गैराज में। 246 बोल रहा है भाई, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, 1,50,000 मैंने उससे लिए, उतने में ही लूंगा मैं ज्यादा, वो तो डैमेज भी नहीं थी। तू निकल भाई मेरे को नहीं चाहिए, नहीं मैं परचेस ही नहीं करने वाला। अरे सच बात है ना, वो 1.5 लाख में मेरे को पेडी पैक मिल रही है अच्छी खासी, उसमें डैमेज भी नहीं है। दीदी आप मेरे को 45,000 में दे दो, 45,000 बहुत बढ़िया प्राइस है ये सुपरा के लिए।
नहीं देना है तो 55 दे दो। चलो वो 55 में तो दे देगी ना दीदी। हाँ 55 में तो अपने परचेस कर लेंगे। चलो ये हो चुकी है, ये डैमेज है तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ। और ये वाली दीदी से भी बात करते हैं, और ये टोयोटा सुपरा भी ले लेते, 67 बोल रही है। 55 में, ये भी मैं 55 में ही ले लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये कार भी अपनी हो चुकी है फटाफट से। स्किल पॉइंट भी बढ़ चुका है, इसको भी मैं करवा देता हूँ टो। टो नहीं सॉरी, इसको भी मैंने रिपेयर पे भेज दिया है अभी अपनी निशान GTR। अरे ये मेरे को पोस्टे भी तो लेके आनी है। चलो पहले पोस्टे को रख के आते हैं, उसके बाद निशान GTR को लेने आते हैं फटाफट। चलो गाइस मैं अपनी पोस्टे को तो रख के आ चुका हूँ, अभी इधर मेरी निशान GTR पड़ी हुई है भाई, अपनी इधर निशान GTR। उसके पहले मेरे पास 3 स्किल पॉइंट हो चुके हैं भाई, 3 स्किल पॉइंट हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँ, इसका रिपेयर प्राइस कम करवा दूँ कि ट्यूनिंग प्राइस कम करवा दूँ? ये क्या है, पेंटिंग प्राइस तो चलेगा यार, प्राइस से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिपेयर प्राइस कम करवाओ, चलो ये ट्यूनिंग प्राइस कम करवा देता हूँ, अभी भी 1 स्किल पॉइंट है। चलो वैसे तो मेरे को सारी स्किल अपग्रेड करनी है, पर जब तक ये स्किल नहीं अपग्रेड हो जाती है ट्यूनिंग की और वो सब की, तब तक मैं वो एम्प्लॉय की नहीं करूंगा। बाद में एम्प्लॉय की भी कर दूंगा, एम्प्लॉय अपनी गाड़ियाँ खुद धो देगा, फिर तो कुछ जरूरत नहीं है XP की। मे भी अपडेट में आ जाए कुछ XP वाला, तो वो अपने बाद में देख लेंगे। इधर से मैं भगाते हुए जाने वाला हूँ डायरेक्ट अपने ड्रैग रेस चेक करने के लिए कि कौन सी कार आई हुई है ड्रैग रेस के लिए। डॉज आ गई ना, डॉज राइवल तो मजा आ जाएगा। मैं अपनी डॉज राइवल, क्या यार अभी घटिया घटिया कार आई हुई है। चलो फटाफट से चलते हैं। अरे भाई मैंने स्किल पॉइंट अभी एक ही, एक से कुछ होने वाला नहीं है। चलो शोरूम पे जाके चेक कर लेते, अगर एक स्किल पॉइंट से कुछ होता है तो वो भी अपने कर देंगे अपग्रेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ चुके हैं अभी इधर, अभी इसमें देखते हैं क्या है, एक से कुछ होने वाला है। हाँ ये फ्यूल प्राइस कम हो रहा है ये, और ये क्या है, वॉश प्राइस तो नहीं हो रहा है। फ्यूल प्राइस का क्या करना है, और इसका फास्टर एम्प्लॉय वॉल्व फास्ट कर देगा, इसकी कर दूँ क्या इसकी? चलो इसकी एक कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ऊपर एम्प्लॉय तो नहीं करना है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एक काम करते हैं, अभी तो जितनी कार, एक काम करता हूँ पहले निशान GTR को इधर से हटा के मैं उधर रख देता हूँ अपने कलेक्शन में। कलेक्शन तो नहीं बोल सकता, पर ये सुपर कार मेरे को जितनी भी है रेयर कार, निशान GTR तो मेरे को एक भी बेचने का मन नहीं कर रहा है। अभी थोड़ी और 2-3 GTR हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा, कुछ खुराफाती मेरा दिमाग बोलेगा तो मैं करूँगा। चलो ये कार तो अभी मैंने अपग्रेड करवा ली है, ये कार तो हाँ मैंने अपग्रेड करवा ली थी मैंने। चलो ये लेम्बोर्गिनी को अपग्रेड करवाते हैं फटाफट से। इसमें कुछ डैमेज है, मेरे को पता नहीं है इसमें डैमेज है कि नहीं है, एक बार डैमेज चेक कर लेते हैं। और उससे पहले वो जो दो सुपरा है उसको मैं रिपेयर करवा लेता हूँ, इसमें मैं पहले चेक कर लेता हूँ। हाँ इसमें भी डैमेज तो है। चलो पहले दोनों सुपरा को रिपेयर के लिए लगा देते हैं। हाँ छोटू, अरे ये तो, ये सुपरा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सुपरा इधर क्यों आई है? चलो ये सुपरा को फटाफट से इधर से ले लेते हैं, और इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। उतनी देर में वो लेम्बोर्गिनी को मैं लगा देता हूँ अपने रिपेयर के लिए। तो इसको मैं अंदर, चलो वो बंदा आया हुआ है, वो बंदे को काम करवाने दो अपने फटाफट से। एक काम करते हैं, अपनी जो लेम्बोर्गिनी है उसको फटाफट से लेके चलते हैं, और अपना लेम्बोर्गिनी को फटाफट से रख देते हैं इधर। चलो अच्छा तो इसको फटाफट से रिपेयर कर दो तू, मैं आया थोड़ी देर में, फटाफट से कर देना। चलो एक काम करते हैं, अभी अपनी ये जो सुपरा है उसको मैं फटाफट से अपग्रेड करता हूँ, बढ़िया वाला अपग्रेड करूंगा इसको मैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने, मेरे को कौन से नए वाले टायर पसंद आने लगे हैं जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं, सारी गाड़ी पे सूट कर जाते हैं वो। चलो मैं दिखाता हूँ, ये छोटू ने मेरे को सजेस्ट किया था। चलो इसमें रेसिंग किट तो है, इसका सस्पेंशन भी सही है, लाइट भी सही है, इसमें नंबर प्लेट तो आएगी अपनी वाली। और व्हील्स में आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाले व्हील्स सबसे बढ़िया लगते हैं। देखो ये वाले व्हील्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, मैं ये वाले यूज़ करता था, कहाँ गए यार मेरे वाले, मैं ये वाले यूज़ करता था ये वाले, पर ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं अभी यही वाला डलवाता हूँ, $4,000 ऐसा कुछ है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फटाफट से ये कार को कलर कलर करवाने के लिए भी कोई बंदा आया हुआ है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतनी देर में मेरी ये सुपरा को भी मैं क्लीन कर देता हूँ फटाफट से, ताकि कलर अच्छे से दिखे अपने, जैसे ही कलर करवाए तो अपना कलर अच्छे से दिखे। चलो फटाफट से ये अभी अभी और कहाँ पे, चलो ये क्लीन हो चुकी है, गया बंदा। हाँ चलो बंदा चला चला गया फटाफट से। अभी फटाफट से इसको करते हैं अंदर अपने गैराज के अंदर, आइए। चलो अभी फटाफट से इसको कलर, मैं रैंडमली कलर करवा रहा हूँ, वैसे ज़्यादा कुछ देख नहीं रहा हूँ जो हाथ। अरे अरे भाई ये लाइम कलर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मैंने तो ऐसे ही आया हूँ, मैंने तो कर दिया। अरे भाई साहब क्या लग रहा है यार ऐसे, अरे यार ये क्या कलर लग रहा है यार, मैंने तो ऐसे ही अंदाजे में तुक्के में कर दिया, पर बहुत खतरनाक लग रहा है सच में बोल रहा हूँ मैं तो। वाइट हो गई? अरे नहीं यार वाइट नहीं हो गई भाई, बहुत खतरनाक लग रहा है ये कलर, सच बता रहा हूँ मैं, देखो बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको आपको मैं दिखाता हूँ इसका कलर, इसका कलर देखो आप लोग भाई, इसका कलर देखो कितना खतरनाक लग रहा है इसका कलर। चलो एक काम करते हैं, ये लैम्बोर्गिनी, ये
ऑडी आ रही उसमें भी यही कलर करवाते भाई। मैंने तो रेंडमली कर दिया था, मेरे को पता भी नहीं अभी कैसे करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अपने कलर करवाएंगे इसको भी, मैं बढ़िया वाला कलर करवाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए भाई। वो कलर कितना खतरनाक लग रहा है, ऐसे रेंडमली कलर करवाता रहूंगा ना तो बहुत मजा आएगा, ऐसे नए नए कलर की गाड़ी दिखती रहेगी मेरे को। चलो फटाफट से चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं। कितना बाकी है इसका क्लीनिंग, हो जा क्लीन फटाफट। और कितना बाकी है भाई, और कहाँ पर बाकी है, दिखा नहीं रहा है। तो चलो छोड़ो, बाहर में जाए क्लीन हो जाएगा वो तो। चलो अभी ये गाड़ी को भी मैं अपने गैरेज में डालता हूँ, मतलब पेंटिंग गैरेज में डालता हूँ। फटाफट से इसको पेंट करवाते हैं बढ़िया वाला। ये हो चुका है, अरे यही सेम कलर, अरे इधर था ना, कहाँ था, इधर था, इधर कहीं पे, इधर कहीं पे था, सेम कलर करवाना है। हाँ इधर, ये रहा, देखते हैं वो तो फिर बाद में। ये नहीं, इसको ऐसे, हाँ ये भाई देखो, ये भी कितनी खतरनाक लग रही है। देखो आप, अभी बाहर निकालता हूँ कार, फिर आपको पता चलेगा। अंदर तो आपको ब्लू दिख रही है, बाहर आपको पता चलेगा। देखो भाई क्या व्हाइट, और व्हाइट का थोड़ा थोड़ा स्काई कलर का शेड लग रहा है भाई, क्या खतरनाक दिख रही है ये सारी। अरे मेरी नई निशान GTR आई है, उसमें भी यही कलर करवा दूं क्या, मेरे को ये कलर बहुत बढ़िया लग रहा है पता नहीं क्यों, तो यही कलर करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फटाफट से, अभी अपने पास लैम्बोर्गिनी भी रिपेयर हो चुकी है, अपनी सुपरा भी रिपेयर हो चुकी है, तो फटाफट से उन दोनों को भी मॉडिफाई करवाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं दोनों गाड़ियों को मॉडिफाई करवाता हूँ, और पोस्टर को भी करवाना है, मैं तीनों गाड़ियों को मॉडिफाई करवाता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। A few moments later. तो चलो गाइस, मैंने सारी की सारी गाड़ियों को मॉडिफाई करवा दिया, आप देख सकते हो सारी की सारी गाड़ियों का मैंने एक ही कलर करवाया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ये कलर इन लोग से थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, पर यार ये भी बढ़िया लग रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ब्लू वाला भी अच्छा ही लग रहा है, पर ये थोड़ा ज्यादा ब्लू हो जा रहा है। ये दो गाड़ियों का तो बहुत बढ़िया, ये दो गाड़ी का तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, सच में बोल रहा हूँ, ये दो गाड़ी का तो मेरे को बहुत कसम से बहुत बढ़िया लग रहा है। ये लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी का भी सेम कलर है, हाँ लैम्बोर्गिनी का भी सेम ही कलर है, खाली ये सुपरा का थोड़ा ज्यादा ब्लू हो गया, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी बढ़िया लग रही है, कुछ कम नहीं लग रही है। चलो ये गाड़ी भी आ गई है अपने शोरूम पे, और ये वाली लास्ट अपनी पोस्ट है उसको भी शोरूम पे रख देते हैं। और नया दिन हो चुका है, तो फटाफट से पहले ड्रैग रेस चेक करने जाएंगे भाई, कुछ भी हो जाए फटाफट से पहले ड्रैग रेस चेक करने चलते हैं भाई। डॉज वाइपर की मेरे को एक तो ड्रैग रेस करनी है, अपने निशान GTR की करनी, तो अपने निशान GTR और एक जीत के आ चुके हैं, और अभी अपने चलते हैं डॉज राइवल को लेके चलते हैं। चलो फटाफट से इधर से कूद सकता हूँ, अरे कूद जाना भाई, अरे यार चलो घूम के ही जाना पड़ेगा, फटाफट से घूम के चलते हैं और डॉज राइवल को निकालते हैं भाई। डॉज राइवल को थोड़ा साफ वाफ करते हैं भाई, पूरी गोल्ड कलर की लगनी भी तो चाहिए, काली हो जा रही है मेरी डॉज राइवल, इसका कवर मंगवाना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, ये गेम में कवर कवर ववर कुछ आता नहीं, ऐसी खुली गाड़ी पड़ी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पास अपनी खुद की पिचकारी है तो अपने साफ कर सकते हैं भाई। वो वाली पिचकारी मत समझना, क्या मतलब, हम लोग तो वही वाली समझेंगे, तेरे को जो करना है वो कर ले, ठीक है भाई, आपको जो समझना है वो समझ लो, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो फटाफट से अपने अभी पहले ड्रैग रेस चेक करने चलते हैं। चलो फटाफट से चल भाई, भगा बेटे भगा, तू अपने ड्रैग रेस में जाने वाले, बराबर की वाट लगाने वाले। इसमें मैंने फ्यूल डलवाया था, हाँ डलवाया तो था, पर इसमें फ्यूल भी बहुत ज्यादा खा रही है यार ये कार। कौन सी कार है इधर, ये SUV से मैं कराऊंगा क्या डोज ड्राइवर की यार ड्रैग रेस, नहीं करवानी है मेरे को डोज ड्राइवर की ड्रैग रेस। चलो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ड्रैग रेस पक्का करवाऊंगा। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।